नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हिमेंद्र गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के हमारे ऐसे चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है मैं द हिंदू की वोकैब लेके आता हूं रोज सुबह 4:30 बजे। तो आज हम क्या सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी, यानी कि जो एडिटोरियल द हिंदू का आता है उसमें से जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज है उस पर आधारित ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग, ये सारी हमारी होने वाली है। तो जल्दी से क्लास में आ जाइए बच्चा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए सब बहुत जरूरी है। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, प्री या मेंस, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वोकैब बहुत जरूरी है। तो बेटा सबसे पहला शब्द है कॉगेंट। कॉगेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, या जो व्यक्ति अपने आप में मजबूत हो, एक बार जो ठान लिया वो करना है, जैसे हमारे एलन भाई। ये इफेक्टिव है, कन्विंसिंग है, मतलब किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए कन्विंसिंग है। तो बेटा कॉन्ग्रेंट का मतलब है प्रभावशाली, निश्चयात्मक, या फिर जो अपनी बात से मनवा ले। याद कैसे करना है, मुझे वो जेंट्स प्रभावशाली लग रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब है ज्वलनशील, यानी जिसमें जल्दी आग लग जाए, जिसको इनफ्लेमेबल भी कहते हैं, इनफ्लेमेबल। अब याद कैसे करना है, कंबस्टिबल को कैसे याद करना है, कम बस्ती वाले। बस्ती में आग लग गई, आग को कम करने के लिए फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ेगा, आग लगी भैया। तो कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील। अगला शब्द क्या है, अगला है कमन रेट का मतलब क्या है, कमन रेट इसको बोलते हैं मनाना, जैसे कि हम गणेश जी को मनाते हैं। कैसे याद करें, कम मुहूर्त। जब वो कोई फेस्टिवल आता है, हम मुहूर्त बैठाकर भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें मनाते हैं। कमोमरेट का सिनोनिम है सेलिब्रेट, यानी कि त्योहार बनाना। अगला शब्द है बच्चों कमेंडेबल, यानी सराहनीय, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि हमारे कमांडोज हैं, हमारी फौज है, हमारी नौसेना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सारे बड़ा कमेंडेबल यानी सराहनीय काम कर रहे हैं। और आप लोग भी जब भारत के फाइनेंस में, यानी कि अर्थव्यवस्था में हिस्सा बन जाएंगे, तो आप भी एक कमेंडेबल प्रयोग करेंगे। जब वो कमांडो बनने के एबल हो गया तो सब उसकी सराहना करने लगे, भाई जब वो कमांडो बन गया तो सब उसकी सराहना करने लगे, भाई ये तो बहुत अच्छा था। सराहना है प्रेज बढ़ती, यानी ऐसा काम करना जिससे लोग आपकी प्रेज करें, बड़ाई करें, वाह वाह भाई साहब शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है, या फिर मिश्रा जी का लड़का कितना अच्छा है, है ना, या फिर यादव भाई के लड़के ने भाई कमाल कर दिया, है ना। अगला शब्द है कमीशन, यानी हल्ला गुल्ला करना, भाई कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देते हैं। तो कमोशन कैसे याद करना है बेटा, कमोशन, जब भी कोई हमारे कमरे में मोशन में आता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि आप शांति से पढ़ रहे हैं और कोई बंदा फालतू में शोर कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब लगाते हैं। तो डिस्टर्बेंस या फर्स्ट इसके सिनोनिम है। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला है कॉम्पनसेट, यानी कि कमी पूर्ति की, जो भी कमी है उसे पूरा किया गया, जैसे कि नुकसान हो गया तो उसका हर्जाना, उसको बोलते हैं मेकअप फॉर। अब याद कैसे करें कॉम्पनसेट को, पेन के सेट्स, कंपनसेट, तो पेन के सेट कि पेन के सेट दुकान में कम पड़ गए हैं, लाने पड़ेंगे। समझ में आ गया, कंपनसेट कैसे याद करना, कि पेन के सेट कम पड़ गए हैं, उन्हें और लाना पड़ेगा, कमी पूरी करनी पड़ेगी। अगला शब्द बेटा कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, जो काबिल है, जैसे भाई साहब है हमारे रॉकी भाई, द रॉक, भाई हमारे इंडिया में रॉकी भाई है और बेटा हॉलीवुड में द रॉक है ना, याद होगा आपको। तो ये क्या है, सक्षम है, यानी कैपेबल है। याद कैसे करें, कॉम्पिटिशन में पास होने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, भाई सक्षम होना पड़ेगा। अगला शब्द बेटा कंप्लायंट मतलब आज्ञाकारी, एक होता है कंप्लेन यानी शिकायत, यह है कंप्लायंट यानी आज्ञाकारी। याद कैसे करें, कॉम्प्लान, मेरा बेटा मेरी बात मान रहा है, कॉम्प्लेन पी रहा है ना। तो कंप्लेन याद करना है कि कंप्लेन पी रहा है, यानी कि बात मान रहा है, या सबमिसिव, यानी कि आपके सामने जो झुक जाता है या आपकी बातों को वैल्यू देता है। अगला शब्द बच्चों है कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, जैसे भाई साहब हैं, इनको कोई सवाल दे दिया तो ये हो गए परेशान, इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कहते हैं। याद कैसे करें, बट बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब भाई को सवाल दिया, अब भाई टेंशन में आ गए कि भी कैसे करूं सॉल्व। अगला शब्द क्या है बच्चों, अगला है कंसील्ड यानी गुप्त या हाइड, जैसे कि भाई साहब ये छुपे बैठे हैं, और फायर ब्रिगेड आई तो देखा अंदर पड़े हुए हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं बेटा भैया से सामान। अब याद कैसे करें, कंसील, कौन है जिसने इन चीजों को सील कर दिया, कंसील कैसे याद करना है,
कि कौन है जिसने इन चीजों को सील कर दिया, गुप्त कर दिया, छुपा दिया, तो हिडन इसका सिनोनिम है। अब हम करेंगे बेटा वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला है स्टॉन्च। स्टॉन्च एक एडजेक्टिव है, यानी जो व्यक्ति निष्ठावान है, कि भाई आप वफादार है। अब ये एडजेक्टिव है, यानी इसका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों एडजेक्टिव होने वाले हैं। सिनोनिम है स्टॉलवर्ट, लॉयल या फेथफुल, और एंटोनिम है डिसलॉयल, यानी जो बेईमान है, धोखेबाज है। अब याद कैसे करें वाक्य प्रयोग, ही इज नोन फॉर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द एंटी न्यूक्लियर लॉबी। कि भी आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब भाई इंसानियत के लिए खतरा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है कि वो एंटी न्यूक्लियर लॉबी, मतलब कि न्यूक्लियर हथियारों को नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर पूरा सपोर्ट करता है। अगला शब्द क्या है बेटा, नीडलेस। नीडलेस मतलब जरूरत नहीं है, जैसे कि भाई साहब लड़की को इसके बच्चे की जरूरत नहीं है, बच्ची को तो भैया धक्का दे दिया, ले तू जा यहां से, अब वो गाना गाएगा ठुकरा के मेरा प्यार। अब एडजेक्टिव है ये, यानी सिनोनिम एंटोनिम। एडजेक्टिव होंगे यानी बेकार, फालतू। सिनोनिम है अननेसेसरी या इन एसेंशियल, यानी जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, या फिर नॉन एसेंशियल भी कहते हैं। एंटोनिम क्या है, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, आई डिप्लोर नीडलेस वेस्ट, कि मैं फालतू के वेस्ट लोगों को डिप्लोर करता हूं, यानी कि हटाता हूं, नमस्ते कर देता हूं, राम राम जी कर देता हूं। अगला शब्द बेटा रिबिलियन। रिबिलियन मतलब जो विद्रोही है। अब ये नाउन है, इसका मतलब इसके सिनोनिम एंटोनिम भी नाउन होंगे, जिसका सिनोनिम है डिफाइंस। अब बाकी अब देखो भाई साहब परेशान थे, इनको ज्यादा चीजें पसंद नहीं आई बॉस की, तो इन्होंने एकदम बॉस को पकड़ के पेल दिया, ये लो विद्रोही है। तो रेबिलियन इसको बोलते हैं। सिनोनिम है डिसोबीडियंस, जो बात नहीं मानता, या इनसबॉर्डिनेशन, यानी कि जूनियर होके भी सीनियर की बात को ठुकरा देना। और एंटोनिम क्या है, आज्ञाकारी, ओबीडियंस। ठीक है बेटा, अब वाक्य देखिए, व्हाट शी डिड वाज नॉट बट एन एक्ट ऑफ टीनेज रेबिलियन। कि भाई मान लीजिए कोई लड़की है, उसको पिताजी ने कहा तुम रात को 8 बजे तक घर आ जाओगी, मगर वो लेट नाइट पार्टी में रही, 9 बजे 10 बजे आई, तो क्या कहेगा वो, उसने कुछ और नहीं किया, बस वो एक टीनेज है। और टीनेज की रेबिलियन होता है ना, कि टीनेज का बच्चा बड़ा क्रांतिकारी होता है, वो मानता नहीं किसी की, वो अपने मन की चलाता है। अगला शब्द बेटा हेसन। हेसन मतलब जल्दीबाजी करना, जैसे मेम साहब जल्दी करें, जल्दी करो जल्दी करो, ये वर्ब है, यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम वर्ब होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे ये देखेंगे हम। स्पीड अप इसका वर्ब है, वर्ब सिनोनिम है एक्सेलरेट, यानी स्पीड बढ़ाना है, क्विकन। अब एंटोनिम स्लो भी हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, और डिले भी हो सकता है। वाक्य देखिए, दिस ट्रेजेडी प्रोबेबली हेसन हिज ओन डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज। कि ये जो ट्रेजेडी थी उसने उसके हार्ट डिजीज के परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब डिप्रेशन में कभी रहना नहीं चाहिए। अगला शब्द है बेटा आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब अनोखा, अद्भुत, जिसको देख के भाई साहब का मुंह फटा का फटा रह जाए। ये एक एडजेक्टिव है, यानी सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव होगा। अब इसका सिनोनिम है आई कैचिंग, या फिर स्टार्टलिंग, मतलब आप चौंधिया गए इसको देखकर, या फिर स्ट्राइकिंग, कि एक बार भीड़ में से कोई गुजरा और आपने कहा अरे ये कौन था। और एंटोनिम क्या है, इनकॉन्स्पिशियस, मतलब कि जो ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है, फेक है, डल है। वाक्य क्या है, हर रूटीन्स एंड लियोटॉट्स टेंड टू बी आउटरेजियस। कि उसके जो रूटीन है और उसके जो नियम है वो बहुत ज्यादा सख्त है, अनोखे हैं। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। तो प्रैक्टिस में पहला शब्द है पेंसिल। यदि पूछा जाए इसका सिनोनिम क्या होगा, तो दिमाग में कौन सी घंटी बजेगी, ऑप्रेस्ड, केज्ड, थॉटफुल या हैप्पी। हाँ जी, दिमाग में कोई आंसर आ रहा है, सोचा, 1 2 3 गिनती हो गई 3। तो देखो बेटा पेंसिल का मतलब है चिंताग्रस्त, जो परेशान है, जैसे भाई साहब चिंता करते हैं कि इनकी टीम जीतेगी कि हारेगी। अब ऑप्रेस्ड दूसरा जो है, तो पेंसिव का मतलब है थॉटफुल, जो बहुत सीरियस मूड में है, जो बहुत विचार मग्न कर रहा है। बाकी ऑप्शन है ऑपरेज मतलब उत्पीड़न, केज मतलब, केज का मतलब होता है कि आपको पेड़ में डाल दिया, केज मतलब पेड़ में डाल देना, हैप्पी मतलब खुश। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल देखें क्या है जरा। अगला सवाल है आपका वैनिश। वैनिश का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन है एक्साइल, हेट, फेड और यकीन। हाँ बच्चों जल्दी से बताइए वैनिश का क्या सिनोनिम होना चाहिए। हाँ जी बच्चे, कोई दिमाग में आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ, है कुछ आंसर दिमाग में, कुछ दिमाग में खलबली हुई, तो देखते हैं आंसर बेटा। वैनिश का मतलब एक्साइल, यानी निर्वासन, यानी किसी को भी निकाल देना, कॉलेज से निकाल देना, या फिर किसी ने क्राइम किया है तो तड़ी पार कर देते हैं, एक्साइल कर देते हैं, हटाओ उसे। या फिर भगवान राम को भी भाई 14 वर्ष का वनवास दिया था, एक्साइल मिला था उन्हें। हेट पता है आपको, नफरत। फीका होता है फेड, क्लीन यानी साफ सुथरा। अब ये भाई साहब है, बीवी ने भाई साहब निकाल दिया, पकड़े गए चोरी करते हुए, बीवी के पर्स से चोरी पैसे करा था, चुरा रहा था, तो बीवी ने क्या किया, चलो निकला यहां से, लात मार के भगा दिया। अगला है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब धोखेबाज,
तो सवाल क्या होगा बेटा, मेलकोटेंट, आर्ग्यूमेंट, इंपोस्टर या क्लाउन? हाँ बेटा, कोई है आंसर देने वाला? फ्रॉड का आंसर पक्का दीजिए। और आप लोग मेरे क्लास को, पुरानी जितनी क्लास है, कमेंट और लाइक करते हो ना, अगर नहीं करते तो कर लो, बता रहा हूं मैं। तो बेटा फ्रॉड का आंसर क्या है बेटा? फ्रॉड का मतलब है इंपोस्टर यानी ढोंगी, जो धोखेबाज है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो, ये भाई साहब फ्रॉड है, गए दोस्ती करने के लिए और वहां से महंगा सामान चुरा के भाग लिए। तो अब बाकी शब्द क्या है? मेलकोटेंट मतलब रेबेल यानी भागी, आर्ग्यूमेंट पता ही आपको बहस, इंपोस्टर ढोंगी, क्लाउन मतलब जोकर या मस्खरा। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको आज की बुक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो बड़ा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की और आपके लिए वोकैब परेशानी है, तो बेटा मेरे पास आइए, मैं लेके आता हूं आपके पास द हिंदू की वोकैबुलरी, जो कि इससे बाहर नहीं आता, ना तो सिनोनिम एंटोनिम में, ना इडियम फ्रेज में, ना वन वर्ड में, ना ही फ्रॉम द ब्लैंक्स, ना ही क्लोज स्ट्रेस। ये सारी चीजें लगभग 30% है। यदि इसमें आप ध्यान नहीं देंगे बेटा, तो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वोकैब की समस्या के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, माता पिता की बात माने, अपना ध्यान रखें, फोकस बनाए रखें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।